मित्रों, मैं आपका मित्र नारायण आचार्य, रतन एक्सपर्ट और ज्योतिष आचार्य है। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज एक विशेष रतन जो कि जीवन को बदलने में सच में कारगर सिद्ध होता है, जिसे कहा जाता है रूबी यानी माणिक्य। माणिक्य यानी सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान यानी सब कष्टों को दूर करने वाले, अंधकार रूपी कष्टों को दूर करने वाले सूर्य भगवान यानी माणिक्य रतन, रूबी रतन। दोस्तों, रूबी रतन की सबसे बेस्ट जो ग्रेविटी है वो 4 ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी 4 का यदि रूबी आपको मिल जाता है तो दोस्तों समझो आपका कल्याण निश्चित है, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों, रूबी आती है 3 प्रकार की। सबसे बढ़िया जो रूबी है, वर्ल्ड नंबर 1, वो है ओल्ड बर्मीज। ओल्ड बर्मीज जो रूबी है वो दिखने में सुंदर ज्यादा नहीं होती, बिल्कुल ऐसे लगती है देसी, बिल्कुल कोई ज्यादा चमकदार नहीं, जाना ज्यादा चमक में नहीं दिखेगी, बिल्कुल सिंपल बनी होगी, बिल्कुल एकदम बस आपको लगेगा कि ये क्या है, और वो पत्थर होगा लाखों रुपया, बहुत महंगा। ओल्ड बर्मा के अलावा फिर आता है दोस्तों बर्मीज रूबी, और एक आती है इंडियन रूबी। इंडियन रूबी जो दोस्तों वो भी ठीक है, उसके अलावा आपको बर्मीज रूबी भी अच्छी है, लेकिन ओल्ड बर्मीज सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों, रूबीज में ग्रेविटी 4 को देखने के अलावा आपने देखना है ग्लास फील्ड तो नहीं है कहीं। एक ग्लास फील्ड रूबी आती है दोस्तों, उसके कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं रहते। ये सारी चीजें आपको बताएंगे जो जेम्स एक्सपर्ट रहेंगे, या लैब से अटेस्टेड करने के बाद पता चलता है ग्लास फील्ड है कि नहीं है। दोस्तों, रूबी जो रतन है, रूबी रतन आप सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी की कुंडली में चांदी में बनता है, किसी किसी की कुंडली में तांबे में बनता है, डिपेंड्स ऑन आपकी कुंडली क्या कहती है। इन जनरली आप तांबे या सोने में पहन सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जिनकी आंखों की परेशानियां, जिनकी नेत्र ज्योति बहुत कमजोर हो रही हो, जिनको आंखों में दिखाई देने में परेशानियां हो रही हो, उन बच्चों को गले में आप रूबी पहना सकते हैं, सूर्य भगवान का रत्न है। जिन बच्चों को चश्मे चढ़े हैं उनके लिए रूबी रत्न बहुत अच्छा है। जो माता पिता अपने बच्चे को रूबी गिफ्ट करना चाहें, वो संडे के दिन उन्हें रूबी गिफ्ट करें। संडे के दिन के समय में 12 बजे सूर्य भगवान को देखते हुए, सूर्य को साक्षी मानते हुए, सूर्य भगवान के सामने खड़े होके गले में पहन लीजिए। सबसे ज्यादा अच्छा रहता दोस्तों रूबी को पहनना। रूबी दोस्तों इसके अलावा राजनीति के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं, राजनीति में जाते हैं, तो आपको रूबी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा, यदि गवर्नमेंट से फायदा लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या गवर्नमेंट की लाइजनिंग करते हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, या गवर्नमेंट के टेंडर करते हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी आप ब्रांच में, किसी जुड़ी हुई कंपनी में, या किसी ऐसी बॉडी में जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड हो, तो आपको रूबी बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन के लिए रूबी बहुत अच्छा होता है। प्रभाव बढ़ाने के लिए आप दबे दबे रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, जोश नहीं है आपके अंदर, तो आपको रूबी बहुत 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 फायदा देगा। रूबी दोस्तों आपको ग्रेविटी 4 का रूबी पहनना सबसे अच्छा रहेगा, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। और हाँ, यदि आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिएगा। ऐसा मैंने रिसर्च में पाया दोस्तों कि राइटी को राइट हैंड में और लेफ्टी को लेफ्ट हैंड में पहनने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा दोस्तों, जो रत्न है उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करवा के पंडित जी से, पूजा पाठ करवा के पंडित जी से, विधि विधान से सूर्य भगवान का जप तप करके प्रतिष्ठित रत्न को ही पहना जाए तो ज्यादा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं ज्योतिषीय संबंधी, रत्न संबंधी, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिएगा, जो फीस का प्रोसीजर है वो फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के पश्चात आप मेरे को वर्ल्ड वाइड बैठे, घर बैठे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइड कर सकूं, स्पेशली आपको कैरियर एडवाइज, स्पेशली आपको बिजनेस एडवाइज, और कौन सा परफेक्ट रतन आपकी जिंदगी में आपके लिए बना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों।
तो दोस्तों यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो नारायण एस्ट्रो इंडिया हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप मुझसे मिल सकते हैं, और जो टीवी स्क्रीन पे नंबर है यहाँ पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब के ऊपर दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नारायण जी को आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।